समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देना है, समझना है क्वेश्चन को, देखते कितने लोग बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 22 है और ये क्वेश्चन का भी अभी आपको तुरंत जो है हम एग्जांपल देंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का रूल बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, अविनाश का आ गया आंसर, राहुल का आ गया, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। एक बात बताते हैं, देखो कल की क्लास में हम क्या बताए थे आप लोगों को, कल एक कॉन्सेप्ट दिए थे आप लोगों को कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मानक विचलन जो होता है वो क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि आपको बताए थे कि स्क्वायर रहता है मानक विचलन के ऊपर पे, बताए थे याद करो। अगर स्क्वायर आता है और हमको प्रसरण निकालना है तो प्रसरण बराबर के जब इस पर स्क्वायर जाएगा तो वो रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट चढ़ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोगों का 12 बिल्कुल सही आंसर है। फिर से समझना क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि एक डाटा सेट का प्रसरण क्या दिया है, प्रसरण, और कितना दिया है, 144 दिया है। अगर 144 दिया है हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है मानक विचलन, मानक विचलन निकालना है। तो कल क्या बताए थे, मानक विचलन पे स्क्वायर रहता है हमेशा, मानक विचलन के साथ गुना 100 लगा रहता है हमेशा। दो बातें होती है मानक विचलन के साथ, मानक विचलन के साथ स्क्वायर रहता है ऊपर देंगे तब बराबर होगा मेरा प्रसरण, प्रसरण स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा और इस पे हो जाएगा आपका रूट अंडर 144 का मतलब इसका आंसर 12 आप देंगे। तो ये तरीका था कल की क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। प्लीज बोलिए, लिखिए, बोलना नहीं है, हम चाहते हैं आप बोले, नहीं 12 आंसर दे सकते हैं, प्लस माइनस 12 नहीं देना है, 12 देना है, सिर्फ 12, ठीक है, प्लस माइनस नहीं, गलत हो जाएगा नहीं तो। प्रसरण में वो पॉजिटिव मान आता है और पॉजिटिव मान निगेटिव नहीं आता है, यानी कि प्रसरण का जब वर्गमूल निकलता है तो ये पॉजिटिव को लिया जाता है, निगेटिव को नहीं लिया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, प्लस माइनस नहीं देना है, 12 आंसर देना है। चलिए 12 आंसर होगा और 12 ही होगा, ठीक है, याद रखना। जब हम मानक विचलन निकालेंगे तो मानक विचलन का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है विचरण गुणांक या प्रसरण या विचलन या विचरण, ठीक है, ये आपको याद रखना है, टेस्ट होगा लास्ट में, अभी पढ़ लो पहले। अब देखो, अब हमको सिखाना है बहुलक, ए भैया लिखो, यहां पे लिखे हैं बहुलक या मोड, इसको जानेंगे अभी हम लोग। ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है रेलवे में और उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे आप लोग बना सकते हो, समझना। क्वेश्चन में आपको हम स्क्रीन पे क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा, सारा चीज बताएंगे आपको बेहतरीन ढंग से, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता है नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का वितरण उनकी उपस्थिति दिन के आधार पर दिया गया, मतलब क्या हुआ जानते हो, उपस्थिति के दिनों की संख्या 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22 और 22 से 28 दिया है, और विद्यार्थियों की संख्या 9, 28, 34, 18, 11 दिया है, बहुलक ज्ञात करें। इसके पीछे बहुत रूल रेगुलेशन है, सब सिखाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे सवाल सॉल्व करना है वो हम आपको सिखाएंगे यहां पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका होगा आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले देखो, दिनों की उपस्थित, दिनों की संख्या दिया है, यानी कि ये हमारा दिनों की संख्या दिया हुआ इधर, और नीचे दिया है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, विद्यार्थी दिया है हमको, समझ जाना, विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बातें की है। अब देखो आपको इसमें दिया है 6 से 10, 6 से 10 दिया है, फिर दिया है 10 से 14, फिर दिया है आपको 14 से 18, हाँ, फिर दिया है 18 से 22, और फिर दिया है आपको 22 से 28, ठीक है, 22 से 28 कहां लिखे हैं,
22 से 28, ठीक है, समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 9, 28, 34 ये सब लड़का जो कर रहा है ना, ये सब क्या है कि बेंच में बैठ के चिलगम जो ना चिपका देता है बेंच में, वही सब लड़का है, ठीक है, देखो ना कैसे स्क्रीन को कर रहा है। 9, 28, 34, 18, 11, ठीक, मतलब सीखना नहीं है, खेलमकड़ी करना है, ठीक है, यही ना करना है। देखो क्वेश्चन को समझना, 6 से 10 दिया है, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 28, 9, 28, 34, 18, 11, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, बहुलक निकालना है। देखो एक सूत्र बता देते हैं आपको, सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं, सूत्र जब लिखेंगे तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें करना क्या है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में देंगे तो आप आसानी से बना पाओगे। ध्यान से समझना क्या करना है, इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखो इसका बहुलक का जो मॉड का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र क्या होता है, यानी कि बहुलक m बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू 2 गुना h, ठीक। इसको कैसे लिखोगे, पहले इसको याद कैसे करेंगे वो समझाते हैं। देखो पहले सबसे पहले तो सूत्र का अगर याद रख लोगे तो इधर आपको मान सब मिल जाएगा, हम सिखा देंगे, आप आसानी से निकालोगे, ज्यादा झंझट नहीं है। आप ये सोचना कि सर बहुलक m का जो सूत्र होता है ना, ये होता है l प्लस f1 माइनस f0, समझना, l का मतलब होता है लोअर लिमिट, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है, और F1 का मतलब होता है बारंबारता में, ये बारंबारता है सबसे बड़ी मान, और F0 का मतलब होता है सबसे बड़ी मान के पीछे वाला मान, और F2 का मतलब होता है सबसे बड़ी मान का आगे वाला मान, और गुना H का मतलब होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, अंतर, यही होता है इसमें। सब चीज आपको कहां मिलेगा इसका सारा मान, पहले तो सूत्र को लिखने के लिए सीखो, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम सूत्र में L लगाएंगे, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, अभी जब सिखा देंगे तुरंत अभी देख देना कैसे मान बैठेगा इसका, प्लस दे देना, उसके बाद लिखना एफ लिख देना और माइनस लिख देना और एफ लिख देना और नीचे भी एफ लिख देना और माइनस एफ लिख देना, उसके बाद आपको 10 10 दोनों बैठा देना, यहाँ एक यहाँ जीरो, क्या हो गया 10, यहाँ पर लिख देना 1 0 10, हो गया ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ठीक। उसके बाद इसमें नीचे आगे बढ़ जाना, देखो 1 लिखे हो 0 भी लिख दियो तो आगे क्या होगा 2 होगा ना, 2 लिख देना एफ 2, ठीक, और यही 2 जैसे यहाँ दिए हो ना, ये 2 को यहाँ गुना में लगा देना, इतना लिखने के बाद गुना एक एच हो जाएगा। इतना बातें याद रख पाओगे, क्या किए, इतना बात को F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 तो है ही, माइनस F2, यही 2 यहां पर भी गुना देना, गुना देना L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा तभी निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। अब समझो, अब जो मेन काम है इस बहुलक का आंसर तक पहुंचने का, सबसे बड़ी झंझट तो यहां पर है। आपको एक बात बताते हैं, सोच जो रखोगे ना, अपना सोच हमेशा बड़ा रखना, बड़ा सोच वाला ही कुछ कर पाता है। और अगर आपको बोले कि बड़ी संख्या पे नजर दो तो जल्दीबाजी में नजर कहां पड़ेगा, यहां पे, इस सब में तो आपको झंझट ही है, इस सब में झंझट ही है। तो बड़ी सोच रखेंगे, क्या बोल रहे, बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा संख्या को देखो कौन है, 34 है, इस 34 पे ध्यान दो कि ये मेरा बड़ा हो गया, हाँ, इसी को मानना है F1, इसको क्या मानना F1, आप कॉपी में लिख लो F1 सबसे बड़ी मान लेना है बारंबारता का, आपको दिख जाएगा कि ये मेरा बड़ी मान है F1, यही है उसके, अब जो F1 इसको लियो ना, उसके आगे वाला मान को लेना है, जस्ट इसके आगे वाला मान को लेना है F2, और इसके पीछे वाला मान को लेना F0, तीनों का तीनों यहां मिल गया, F1, F0, F2 तीनों यहां पे दिखा दिया। सिर्फ इतना सा बात याद रखना है कि सर सबसे पहले बड़ी मान पे ध्यान देना है, उसको F1 मानना है, आगे वाला F2 मानना है, पीछे वाला F0 मानना है। अब जब बड़ा मान लिए है, आगे पीछे लिए, तो ऊपर क्यों छोड़ेंगे, ऊपर वाला मान ये वाला मान को लेंगे L,
L का मतलब लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कि निम्न मान, और ये होता है अपर लिमिट, उच्च मान, और ये निम्न मान और उच्च मान के अंतर को क्या बोला जाएगा, माइनस करोगे तो उसको बोला जाएगा एच, एच का मान आएगा। अब यही बातें आपको इसमें पुट करके आंसर ला सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझो, बड़ी सोच रखेंगे, बड़े वाले मान पे ध्यान देंगे, उसको F1 मानेंगे। अगर ये रास्ता यहीं से खुलता है, F1 से रास्ता खुलता है, इसको F1 मानेंगे, अगला वाला टर्म F2 लेंगे, पिछला वाला F0 लेंगे, यानी कि 0 1 2, ऐसा हो गया। बड़ी मान को F1 लेंगे, ऊपर जैसे जाएंगे छोटा वाला मान जो होगा उसको L मान लेंगे, और उसके अंतर को, सबका अंतर चर चर है, देख लो 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 4 28, इसका मतलब H का मान हमारा जो होगा ना वो हमारा 4 हो जाएगा। अब यहां पर आप उसको सेटअप करोगे तो आंसर आसानी से ला पाओगे। इसमें जो सबसे मेन है आपका बहुलक मॉड, इस मॉड का यानी कि इस बहुलक का जो सूत्र होता है, वह सूत्र होता है क्या होता है, L प्लस, या प्लस देना F1 माइनस F0 बटे, फिर यही लिख देना F1 माइनस F0, और फिर लिखना माइनस F2, ये जीरो है ये वो नहीं समझना, जीरो और F2 गुना दे देना H, और इधर भी दो लगा देना, यहां का दो यहां का दो, और ये सूत्र आपको याद रखना है तभी आप कर पाओगे। ट्रिक यही है, यही है। सबसे पहली बात आपको क्या बोले हैं, जो बड़ा है उसको F1 मानेंगे, जो उसके आगे वाला F2 मानेंगे, उसके पीछे वाला F0 मानेंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला L मानेंगे, L L इसको लोअर लिमिट L, जस्ट उसके ऊपर वाला सारा खानदानी चाल इसका जो चलता है ना, बड़ के नंबर के आगे पीछे और ऊपर इतने दूर तक रहता है, ये सब कुछ नहीं करना, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो आपको क्या करना, एल का मान आपको पता हो गया, लोअर लिमिट होता है 14 है, लिखेंगे 14 प्लस देंगे। F1 का मान बोले थे, बड़का मान हमेशा F1 होता है, बड़का मान हमेशा F1 होता है, 34 दिया है 34 लिखेंगे, माइनस F0 का मान 28 दिया है 28 लिखेंगे, बटे देंगे दो गुना F1 का मान हमेशा 34, यानी कि यहां पर F1 है 34, आप ना कॉपी में लिख लो कि F1 मान हमेशा बड़ी मान लेना है, बारंबारता का, इसको बारंबारता बोलते हैं, इसको बारंबारता वर्ग बोलते हैं, तो हम ले लिए 34, F0 का मान 28 दे दिए, और F2 का मान क्या होगा 18 हो जाएगा, गुना H का मान, देखो H का मान क्या बोल लेता है, अंतर 4 होता है। अरे सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना, हम आपके साथ है, पूरी तरह सिखा देंगे, ध्यान से समझो। ये लिखने के बाद आप इसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, यानी कि 14 प्लस हो जाएगा, प्लस या गुना नहीं देना, प्लस देना गुना इधर होता है, ठीक है। अब इसको करो, 34 में 28 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 घट जाएगा, उसके बाद 34 दुना 68 माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 8 16 की 84, 1 2 3 1 4 6 8 8 16 46, अब गुना हो जाएगा 4, देखो ये हो जाएगा घटा उठा के, यहाँ पर बचेगा 6 बटे, इसको घटाओगे 8 में 6 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, 22 गुना 4, इसको कटा लो 2 दुना 4 11 दुना 22, अब देखो 14 प्लस 6 दुना 12 बटा 11, इसको भाग लगा देना, सर 11 एकम 11, एक बचा नहीं खाएगा, दशमलव लगाओगे, फिर जो आया नहीं खा रहा है तो जीरो लगा के अगला देंगे, तो 11 9 99 100 में लगेगा, 15 दशमलव आपका 09 आंसर होगा इसका। किसको किसको अब समझ में नहीं आया वो हमको बोलो कि सर हमको तो एकदम ही समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझना। आ गया, अरे भाई आएगा, जहां आएगा ना जाएगा कहां, आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए कि सर L प्लस, देखो F1 माइनस F0, इसको ना 10 मान लो, 10 सर 10 लिखेंगे, अब बटे में फिर लिखेंगे 10, ठीक है, वही तो लिख देंगे, और लिखने के बाद आगे बढ़ना है थोड़ा, यहाँ आगे बढ़ना है थोड़ा, यहाँ पे विस्तार होगा, तो देखो 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, अब 2 है ना बचा, जी F2 लिख देना, और जैसे 2 लिखना ना, ये 2 आगे भी लिख देना, यहाँ पे ये नियम होता है, और यहां पर गुना H लिख देना, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, L प्लस, आज जो सूतोगे सोओगे जिसको बोलते हो, सुतना जो है ना रात में, सपना में यही देखना है, ठीक है, कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 फिर माइनस
एफ टू, और फिर आगे में दो दिए थे यही टू देख के यहाँ अगुना एच, ठीक है। ऐसे आप जैसे याद रखते हो रख सकते हो, अगर ये रखते हो ना अगर एग्जाम में आ गया तो आप आसानी से बना पाओगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, अच्छा लग रहा है, समझ जाओगे, आसान होता है। देखो आपको ना बहुत कोई बहुत तरीका बताएगा, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, उतना काहे करेंगे हमको, जो जो दिखता। क्या बोले थे, एफ वन का मान हमेशा बड़ा, लिख लो कॉपी में, एफ वन हमेशा बड़ा मान, हमेशा बड़ा मान पर ध्यान, पर ध्यान ये बोलना है, एफ वन हमेशा बड़ा मान पर ध्यान देना है। उसके अगला वाला जो होगा एफ वन का, आगे वाला एफ टू हो जाएगा, पीछे वाला एफ जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला मान होगा ए लिमिट, और उसके अंतर हो जाएगा एच। सारा चीज एक के जगह घूम फिर रहा है, नहीं घूम फिर रहा है, तो ऐसे बना सकते हो। कल की क्लास में, कल की एक सौ पचपन पॉइंट जीरो नाइन, देखो अगर 14 प्लस 14 प्लस 12 बटा 11 यही ना आया है जी सर। देखो अगर 14 प्लस है, इसको आप भाग लगा दो, 11 से 12 को भाग लगाओगे, 11 एकम 11 होगा, यहां पर 12 में 11 जाता है, एक बच जाता है, बच गया, बोले हाँ सर बच गया। अगला देखो, अब क्या करेंगे, ये 11 से एक तो भाग लग नहीं रहा है, बोलेंगे नहीं लग रहा है सर, नहीं लग रहा है तो क्या करोगे, जानते हो आप, लगाओगे दशमलव, ठीक है, तब आएगा 10, ये होता नियम। अब जैसे हम 10 दिए, भागे नहीं लग रहा है सर, तो एक जीरो लगा कर यहां पर एक जीरो लगाओगे, तब लगाओगे 9 बार में भाग, अगर 99, तब ये आपका एक बचेगा, यानी कि 1.09 हुआ, यानी कि 14 प्लस 1.09 बराबर होगा 15.09 आंसर। फिर से बताते हैं भाग आपको, देखो ध्यान से क्या करना होता है, भाग देने सीखो पहले। क्या बोले हैं सर, 11 को अगर 12 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 होगा, 12 में 11 जाएगा, एक बचेगा, फिर भाग नहीं लग रहा है सर, तो दशमलव देते हैं जीरो देते हैं, ये ना करते हो जी, फिर नहीं लग रहा है सर, एक जीरो लगा के एक जीरो देंगे, और अगर 99 लगाएंगे, ये ना करते हो जी, एक बचेगा। अब आया समझ में, चलो अगला क्वेश्चन देखो, टेंशन मत, आ गया तो आ गया तो ठीक है, देखो ना अगला, देखो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो आज की क्लास बहुत जबरदस्त, बहुलक खत्म कर दिए जी, बहुलक में कुछ है ही नहीं आपका, ठीक है, और कल फिर हम पढ़ा देंगे भाई, ये एडवांस मैथ ही होता है, ठीक है। देखो 4 5 5 6 4 3 2 2 5 1 ये लिखा हुआ है, संख्याओं का बहुलक क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 है 5 है, जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है निकल जाओ, ठीक है, वो जो खेलमकड़ी कर रहे हो ना फायदा नहीं है, खेलमकड़ी करके कोई फायदे नहीं है, जिंदगी खराब हो रहा है आप लोग का, वैकेंसी आने वाला है, हम रत रत भर जग के पढ़ाने का सोचते हैं। आप लोग स्क्रीन पर ऐसे लिखो, 3 2 2 5 1 3 2 2 5 1, ठीक है, इसका बहुलक निकालना है, देखो ध्यान से, इसका बहुलक निकालना है, बहुलक। एक बात बताओ, बहु मना क्या होता है जी, बहु मना होता है बहुवचन, बहु मना बहुत, दो बातें याद रखना, बहु मना बहुवचन, बहु मना बहुत, इसमें बहुत क्या है, 4 बहुत है क्या, 1 4 हुआ, 1 4 हुआ, 2 8 4 है, बट 4 तो बहुत है ये नहीं सर, ठीक है, क्या 6 बहुत है, 1 8 तो है ये भी नहीं हुआ, 3 बहुत है क्या, नहीं है, 2 भी 2 8 है, नहीं है, 5 मेरा 2 3 तो 5 है, 3 तो ज्यादा जो संख्या रहेगा ना वही बहुलक होता है, इसका आंसर 5 देना, आंख से देख कर दे सकते हो इसका आंसर कि सर 5 होगा 5 होगा 5 होगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आपको बहुत सारा बातें देगा वो, बहुत बड़ा लिख देगा, तैयो आप खोज लोगे कि सर बहुलक होगा तो क्या होगा, जैसे कि 4 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दिया, 2 दिया, 1 दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, फिर 4 फिर 6 फिर 5 2, आप इस तरह दे दिया, आपको ध्यान से देखोगे ना एक नजर कि सर 5 3 तो दिख रहा है, 2 2 तो दिख रहा है, 7 8 तो कहीं है ही नहीं, 6 2 दिख रहा है, 4 1 दिख रहा है, तो 5 5 ज्यादा दिख रहा है, तो मेरा 5 आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आप बोलो बहुलक किसको कहते हैं,
समझो बात को, समझना ठीक है। जब बहुलक का सूत्र जब बारंबारता वाला देगा, बात को समझना क्या बोल रहे हैं, बोलो मत, बारंबारता वाला जब देगा तो आपको क्या करना है, एल प्लस, और तुरंत याद रखना एल होता क्या, बड़का मान एफ वन होता है, जस्ट ऊपर वाला जो शुरुआती होता है लोअर लिमिट वही मान होता है एल प्लस, एफ वन माइनस एफ जीरो बटे एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और जैसे यहां टू लगाओगे यहां भी टू लगाना है, और गुना एच, एच क्या होता है, जैसे कि मान 14 से 18 था तो क्या अंतर था, 4 था, यही 4 अंतर है, और यही मेरा एल था, एल यही था लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, यहां पर 14 रखेंगे प्लस रखेंगे, सूत्र यही है, बहुलक का सूत्र यही है, इसके अलावा कोई सूत्र मेरे पास नहीं है, आप इसी से आंसर निकालोगे और सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को अगर हो जाए तो हमसे कांटेक्ट करना, कि सर हमको बहुलक समझ में नहीं आता, माध्यिका पढ़ाए, माध्य पढ़ाए, माध्यिका क्या होता है, सबको शुरू से अरेंज करो, विचल का संख्या ले लो, माध्यिका का मतलब क्या होता है, सबको शुरू से अरेंज करो, मना अरेंज करने का मतलब क्या, या तो उसको आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो, और विचल का संख्या ले लो, जब दो गो बीच में आ जाए तो उसको आपस में जोड़ के दो से भाग दे दो, लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा तो एक तो बीच में आई वे करेगा, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। आज कॉपी चेक नहीं होगा क्योंकि अभी हमको ये खत्म करने दो, आप लोग का कॉपी हो सकता है बहुत जल्द चेक कर लें, ठीक है, हम तो देखो रीजनिंग वाला का कर पाए हैं और आप लोग कभी कर लेंगे धीरे धीरे, अभी पढ़ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कैसा लगा आप लिख कर कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कहीं दिक्कत हुआ होगा, और अगर बहुलक से सवाल, अगर बहुलक से सवाल छोड़ के आ जाओगे तो फिर मेरी नाक कटा दोगे आपकी, सर हम पढ़े थे बहुलक छोड़ के आ गए, बना के नहीं आ पाए, वो गलत बात होगी, हम चाहते हैं कि आप बना के आए, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुलक अभी क्या बोले थे, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे एफ वन माइनस एफ टू अब पीछे एफ जीरो। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगुना उधर है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।